आप सब लोग वेलकम बैक टू दी माई अनदर गेम वीडियो। तो अनदर गेम वीडियो नहीं गाइस, ये सिंपली हाउस वीपर का दूसरा पार्ट है, क्योंकि मैं वीडियो को इतना बड़ा जो है वो बनाना नहीं चाहता था, तो इसलिए गाइस मैंने ये तरीका सोचा और आज मैं जो है वो दो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। लेट्स गो, इधर करते हैं हैमर और इसको तोड़ते हैं सिंपली और हैंड्स लेते हैं। गाइस ये मैंने बेडरूम का जो है वो बना लिया है, ये खुल क्यों नहीं रहा है, इसकी वजह से नहीं खुल रहा है। एक काम करते हैं, हैमर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसकी वजह से क्यों नहीं खुल रहा है। हैंड्स लेते हैं, अब खुल रहा है, नहीं ये वाला खुल रहा है, नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। एक मिनट, हैमर और इसको तोड़ता है, देखते भाई ये क्यों वर्किंग नहीं कर रहा। चूज हैंड्स टू व्हाई दिस डोर इज नॉट ओपनिंग, क्यों नहीं खुल रहा है ये डोर। एक मिनट गाइस, नो आई डोंट वांट टू गो ऑफिस, सिंपली मेरे को टूर जो है वो खोलना है। तो गाइस गेम को रिस्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कर। ओके तो गाइस इसमें ये प्रॉब्लम आ रही कि ये वाला दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, आई डोंट नो ये सूटेबल नहीं होंगे, इसलिए मैं गाइस सिंपली ये प्लेस कर रहा हूँ जो कि खुलने वाला है। तो लेट्स गो गाइस, ये वाला जो है अच्छे, ये भी डोर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये हमारी डाइनिंग टेबल्स की होगी और हमारा एल सेट में यहाँ पे कुछ सोफ़ा होगा, यहाँ पे कैबिनेट के साथ टीवी होगी, ये वॉशरूम और बाथरूम की तरह उधर किचन बन गया और यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ जगह बची है। तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा कमरा बनाया जाए, कमरा बनाएंगे बट हॉल में कुछ अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो इधर हम कंप्यूटर का कुछ रख लेंगे, तो उसके लिए बाथरूम की ज़रूरत। देखते तो गाइस जल्दी से टाइल्स जो है वो हम चूज़ करते हैं, आई मीन पैनल्स, लेट्स गो पैनल्स में देखते हैं कौन कौन सा है। पैनल्स में गाइस हम कुछ ये वाली टाइल लगाने वाले लॉन्ग, बट इसमें डार्क कलर की, क्योंकि हम लाइट कलर करने वाले हैं तो ऑब्वियसली ये लगाएंगे, काफ़ी प्यारी लग रही है। तो लेट्स गो जल्द पूरे घर पे गाइस यही कलर, पूरे घर पे मतलब इस हॉल पे और किचन वगैरह पे तो हम दूसरे जो टाइल्स है वो लगाएंगे। गाइस टाइल्स बोल सकते हैं और पैनल्स भी बोल सकते हैं, तो हॉल में तो यही लगने वाली है। लेट्स गो जल्दी से पूरा हॉल इधर कंप्लीट करते हैं। बस गाइस कुछ ही टाइल्स बची है, बस ये एक, ये दो और ये तीन और ये चार, तो हॉल की। तो लेट्स गो गाइस किचन की जो है वो टाइल्स हम चेंज करेंगे, तो किचन की टाइल्स मैं रखने वाला हूँ कुछ, किचन में कुछ कुछ यूनिक होने चाहिए। तो एक काम करते हैं हम वॉलपेपर सर्च करते हैं, किचन ही सर्च करते हैं और उसके बराबर कुछ वॉलपेपर्स या किचन के बराबर उसकी कुछ टाइल्स आ जाए, या फिर वॉलपेपर जो दीवार पे लगा सके, देखते हैं। किचन उधर सर्च करते हैं, किचन में गाइस वॉलपेपर आता है कि नहीं, कोई अच्छे से देखते हैं। एक काम करते हैं वॉलपेपर सर्च करते हैं, वॉलपेपर में किचन का कुछ ढूंढते हैं, किचन में जो काफी अच्छा लगे। ओके काफ़ी अच्छे अच्छे जो वॉलपेपर्स है इसमें दिखे हैं, बट किचन के हिसाब से कोई अच्छा सा हमको जो है वो करना चाहिए ना, उस हिसाब से मिल रहा है। ओके तो मेरे को एक वेजिटेबल्स वाला अच्छा लगा है, तो देखते हैं इसको कुछ किचन में करके। नाइस गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो पूरा मैं इसको फिलहाल इससे ही कवर अप करता हूँ, क्योंकि किचन में वेजिटेबल्स ज़्यादा बनते हैं, इसलिए गाइस मैं इसको यहाँ से कुछ ये, इसलिए गाइस मैंने कुछ ये वॉलपेपर यूनिक चुना है। तो लेट्स गो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, लास्ट में सिक्स,
तो बस थोड़ी ये लास्ट दो ही बाकी है, एक और ये इस तो किचन में काफ़ी अच्छा वॉलपेपर जो हमें मिल गया है। अब सुनते हैं सिंपल टाइल्स, टाइल्स में हम चूज़ करेंगे फिटिंग वाली, नहीं फिटिंग नहीं अच्छी लगेगी, कुछ नॉर्मल टाइल्स मिल जाए। ओके इस वाली में कुछ बढ़िया कलर मिल जाता है जो इसके सूटेबल हो, तो ये वाला कुछ हम देखते हैं शूट होता है नहीं, इसे कुछ पेंट लगी इस पे देखते हैं, ये वाला वॉलपेपर का शूट कर रहा है इसके, तो इसको जल्दी से करते हैं। और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, वैसे लाइस टाइल्स लगानी है और ये हो गया। और एक किचन का बढ़िया सा काफी प्यारी लुक दे रहा है किचन भी, तो लेट्स गो, किचन भी तैयार हो गया है। बस सिंपल ही गाइस हमको बेडरूम की टाइल्स बची है और कुछ यहाँ पे कलर करना है, तो पहले गाइस कलर करना चालू करते हैं। और हॉल में कुछ हम यूनिक वॉलपेपर लगने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हॉल लिखते हैं। हॉल नहीं आ रहा है, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के हिसाब से कोई वॉलपेपर्स, तो गाइस कुछ हम यूनिक वॉलपेपर जो है वो चूज करने वाले हैं जो कि काफ़ी प्यारा लगे। ओके ये करके देखते हैं कहीं जिधर हमको एल शेप में सोफा लगाना है ना, नहीं ये डार्क पे डार्क जो है वो नहीं चाह रहा, कुछ लाइट वॉलपेपर चूज करना है हमको, कुछ पनी टाइप का। ओके कुछ ये वाला देखते हैं, ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा खास जो है वो लग नहीं रहा है ये वॉलपेपर भी, तो कुछ यूनिक कुछ पेड़ वगैरह या फ्लावर्स वगैरह ये एक बार ट्राई करते हैं, काफ़ी अच्छा वॉलपेपर लग रहा है। या गाइस यही तो चाहिए था, काफ़ी हॉल के हिसाब से काफ़ी प्यारा लग रहा है, देख ही सकते हो, मैं पूरी लुक आपको इसकी दिखा दूंगा, तो पूरी लुक देखने के लिए बस 2 मिनट का वेट करना। तो गाइस काफ़ी अच्छा जो है वो हॉल का वॉलपेपर भी मिल गया, वो सिंपल ही गाइस अभी हमको यहाँ पे नॉर्मल कलर पेंट करना है जो इसके हिसाब से सूट हो। पेंट में जाते हैं, तो गाइस पेंट चूज करते हैं, पीछे लिखते हैं पेंट्स पेंट्स पेंट, पेंट में आ जाता है कुछ डार्क कलर में भी चाहिएगा, ब्लू के हिसाब से कुछ डार्क चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग वायलेट अच्छा नहीं लगेगा एकदम, गाइस परफेक्ट कलर जो वॉलपेपर का हॉल उसके हिसाब से डार्क ग्रीन है, इसको ट्राई करके देखते हैं, इसके बाजू में ही ट्राई करते हैं। नो सूट नहीं हो रहा है आई थिंक, यह अभी यहाँ पे वॉलपेपर किया है तो पूरे घर पे ही करना चाहिए, नो कुछ सेम अगर कलर इसके हिसाब से ही मिल जाएगा ना गाइस तो काफ़ी अच्छा रहेगा, नॉट नेवी ब्लू, काफ़ी डार्क कलर का लग रहा है इसका, देखते हैं नाइस वन, तो ये कलर में कर देता हूँ, कुछ सिमिलर तो गाइस मिल नहीं सकता है इसमें, बट ये काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है इसलिए मैं फ़िलहाल ये वाला कलर कर रहा हूँ, नॉट नेवी ब्लू, मतलब नेवी कलर इसका नहीं है बट नेवी जैसा ही है, तो लेट्स गो कलर करते हैं यहाँ पे और यहाँ पर, और थोड़ा और पेंट लेते हैं कुछ यहाँ पर कलर करते हैं, यहाँ पर रह गया थोड़ा सा, वन टू और ये आखिरी में ये लग गया, थ्री आई नीड मोर पेंट, आई थिंक एग्जिट पेंट हुआ है, ओके एग्जिट पेंट हुआ है काफ़ी, ये भी अच्छी प्यारी वाइब जो है वो हमको दे रहा है, सिंपल ही हमको हैंड चूज करना है और इस स्टोर को एक्सचेंज करना है, इस स्टोर को हम एक्सचेंज करेंगे इसमें ही कुछ ब्लैक कलर में, नो ब्लैक कलर नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि डार्क पेंट है, तो इसमें हम चूज़ करते हैं इसका ही कुछ वाइट कलर,
ये प्यारी लुक दे रहा है अच्छी भी। और यहाँ पे रह गया तो वॉलपेपर ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, वो वाला देखते हैं मिलता है कि नहीं। ढूंढते जाओ बस यहीं कहीं था कुछ, ये रहा, मिल गया। जाओ गाइस जल्दी, मिल गया होना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो बस गाइस अभी अंदर का पेंट और अंदर की टाइल्स करते हैं इसको। तो बेडरूम में तो मैं ये कलर की पार्ट, ये कलर की टाइल जो है वो मैं करने वाला हूँ बेडरूम में। ओहो यहाँ कहाँ हो गई, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक। आई नो गाइस जो बेडरूम है वो काफ़ी छोटा बना है, तो हम सिंगल बेड ही ला सकते हैं। आई नो बट हमारा हॉल वगैरह काफ़ी अच्छा जो है वो बना है। ओके तो यहाँ तक करते हैं, उसके बाद एक टाइल्स लेते हैं बाथरूम के लिए। तो गाइस मैंने सिंपल ही सोच के रखी थी ये वाली या फिर ये वाली में आकर पर इस या ये वाली, तो ये बाथरूम में टाइल्स हम यही करने वाले मैंने सोच के रखा था। तो एक मिनट श्रीवल, और यहाँ पे तो बिल्ड नहीं कर सकते। ओके तो हैंड्स नहीं, टाइल ड्रॉवल, और जो हम कर रहे थे तो बाथरूम में ये कलर की टाइल्स, और इसके साथ ही कुछ जुड़ी हुई ये वाली टाइल्स से ब्लू कलर हो जाए इसके जैसा ही, कुछ डार्क ब्लू कलर इसका शूट होगा, चमकीला चमकीला नहीं लग रहा ना। नहीं, बाथरूम के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी करते हैं, और ये कुछ यहाँ पर ये बाथरूम जो है वो काफ़ी अच्छा बन गया है। यहाँ पर एक, ये दो, और ये यहाँ पर एक, ये लास्ट, और ये भी लास्ट। तो बाथरूम काफ़ी जो है वो अच्छा हो गया है। अब सिंपल ही हमको ढूंढनी होगी इसके लिए टाइल्स, तो वॉल रह गई है। तो यहाँ पे मेरे को बेडरूम की करनी चाहिए, और वहाँ पर मेरे को करनी चाहिए थी उसकी। तो टाइल्स लेते हैं और वो ब्लू वाली यहाँ पर प्लेस कर। तो गाइस ये थोड़ा अजीब लग रहा है आई नो, बट हम क्या ही कर सकते हैं। गाइस हम इसको तोड़ते, एक काम कर हैमर लगा दे तो इसको भी। गाइस एक मिनट तोड़ते हैं, और टाइल्स लेते हैं एक मिनट गाइस, टाइल ड्रॉवल पैनल्स में जाके जो हमने, नहीं ये वाला नहीं चूज किया था, ये वाला। तो गाइस मेरे हिसाब से गाइस हमको ये बेडरूम और ये बाथरूम का वो जो पार्टीशन है वो नहीं करना चाहिए, ताकि बेडरूम भी थोड़ा बड़ा हो जाए। गाइस होते हैं ना कंट्यूशन मतलब के बेडरूम के साथ अटैच्ड खुला बाथरूम तो नहीं होता है ना, दरवाजे लगे होते हैं, बट हम इधर फिलहाल बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वरना तो वैसे मैं इधर ही बिल्ड कर देता। वॉल देखो वो स्ट्रीवल कर रहा हूँ, आई कैन नॉट बिल्ड ही, हम सिंपल कर पा रहे हैं यहाँ से भी नहीं यहाँ से। तो उस हिसाब से का जो बेडरूम का जो है वो थोड़ा छोटा हो जा रहा है। देखो गाइस बेडरूम फिर उतना का उतना ही रह जा रहा है, इसलिए देखो गाइस कुछ इतना बड़ा बाथरूम रह रहा है और बेडरूम काफी छोटा, तो देख सकते हो गाइस। इसलिए हैमर लेते हैं फिलहाल, और तोड़ देते हैं इसको यहाँ से। तो ओके मैं कुछ सोच रहा हूँ गाइस, विंडो को सील तो कर नहीं सकते, वरना तो गाइस यहाँ पर मैं तोड़ के सिंपली यहाँ वॉल लगा दूँ। एक ट्रिक एक आजमा के देखते हैं,
ऐसे और मान लीजिए सिंपल तरीके से, और ऑब्वियसली स्टोर में जाना है हमको। स्टोर में जाके वॉलपेपर टाइल्स ओके। तो यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया है मेरे को। अब लेते हैं डोर, इधर लाइनिंग आई क्या है 100% श्योर। डोर गाइस 100% में श्योर था कि यहाँ पे लैगिंग आएगी। ओके एक काम करते हैं, रिवर्ट और हैमर लेते हैं। और ओ भाई अब लेते हैं वापस स्टोर पे जाते हैं और डो लिखते हैं और वही वाला डोर हम यहाँ प्लेस करें तो भी लैगिंग आती है और यहाँ भी लैगिंग जो है वो चालू हो जाती है। यहाँ पे लगाए तो भी लैगिंग और यहाँ पे लगाए तो भी, तो ये लैग तो होता ही रहेगा, इसलिए ऐसा हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे सिंपल ही लगा देते हैं। तो ये हो गया बेडरूम, हो गया सॉरी यहाँ पे नहीं, हैमर दो कुछ स्विवल लगा के यहाँ, ओके यहाँ पे। तो ये हो गया बेडरूम और वो हो गया बाथरूम, लैगिंग तो होती रहेगी। तो बस कैसे आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वैसे एक काम करते हैं, इसको तोड़ ही देते हैं गाइस, ये काफ़ी चीपीएस ही लग रहा था, इसको तोड़ के ही हम जो पिलर जो था पहले इसको स्कैनर को सेल कर देते हैं। और ये जो जो गैस पिलर जो हमने बनाया था ना वही सिंपली हम यहाँ पे बना देते, ओके। तो गाइस वो हम बना देते हैं और बस टाइल ड्रॉवर लेके टाइल्स पे जाके यहाँ पे भी कुछ ये और यहाँ पे भी कुछ ये। बस गाइस आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं, वीडियो चैनल को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा बड़े चल गए तो शेयर कर।